मंगरू अपनी पत्नी से बहुत परेशान था। मंगरू के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। बहुत बड़ा घर था, 52 बीघा जमीन थी और खेती बाड़ी सब कुछ था। लेकिन उसकी पत्नी हमेशा से नाराज होती रहती थी और गुस्सैल थी, बहुत सख्ती भी थी। मंगरू चुपचाप गांव में निकलता और चुपचाप वापस आता। कभी मंगरू किसी से कोई बात नहीं करता था। अरे ओ मंगरू बेटा, कहाँ जा रहा है, जरा इधर तो आ। ठीक हूँ चाचा, बस थोड़ा सा बाजार जा रहा था। अरे बैठ थोड़ी देर, कभी हम लोगों के आसपास भी बैठा कर। अरे नहीं चाचा, मैं बाद में आऊँगा। मंगरू आगे निकल जाता है तो गांव का बूढ़ा सरपंच बात करने लगता है अपने बगल में बैठे आदमी से। अरे ये मंगरू की किस्मत खराब है, क्या करेगा बता, इतना धन संपत्ति इसके माँ बाप छोड़ कर गए, लेकिन पत्नी ऐसी सक्की मिली कि हमेशा झगड़े ही होते रहते हैं, शांति नहीं होती है। हाँ चाचा, क्या करोगे, किस्मत की बात है, इसमें किया क्या जा सकता है। शाम को वापस मंगरू अपने घर पहुँचा। कहाँ गए थे, हाँ क्यों दिमाग खराब कर रहे थे, मैंने सुना तुम गांव की उस मोहिनी से बात कर रहे थे। अरे मैंने मोहिनी से बात कहाँ करी, उसने मुझे टोका तो मैंने उसका जवाब दिया। अच्छा जवाब दिया, बड़ा छल छबीला बनकर चलते हो, हाँ तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे धोखा दे दोगे। मुझे सब बर्दाश्त है लेकिन मुझे चरित्रहीन इंसान बर्दाश्त नहीं है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कह के वो झाड़ू से मंगरू की पिटाई करने लगती है। तुमने मुझे झाड़ू से मारा, अब मैं इस घर में कभी नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं जाऊंगा। ना कह के मंगरू घर से निकल जाता है। क्या करूं, कहां जाऊं, चला जाता हूं थोड़े दिनों के लिए कोलकाता, बाद में आऊंगा, फिर घर में देखूंगा अगर सब ठीक रहा तो। मंगरू ये सोचकर कोलकाता चला जाता है और कोलकाता जाने के बाद मंगरू माँ काली की मंदिर में जाता है। माँ काली, ये कैसी मुसीबत तुमने मेरे गले बांध दी है, ये मेरी कैसी पत्नी है, बताओ माँ काली मैं क्या करूँ, इससे तो मुझे एक बच्चा भी नहीं मिला है। माँ काली उसे उठा लो ना और नई शादी करने का मौका दे दो, माँ काली माँ काली मुझे मौका दो। मंगरू ये कह रहा था। मंगरू ये कहते हुए घर आने लगता है और सबसे पहले एक पकौड़े की दुकान में जाता है। अरे जल्दी से पकौड़े बना, ढेर सारे बना, भूख लगा है, मुझे पेट भर के पकौड़े खाने हैं। मंगरू पेट भर के पकौड़े खाता है और फिर ट्रेन पकड़कर घर वापस आ जाता है। रात में अचानक से मंगरू को अच्छा नहीं लगने लगता है और मंगरू उल्टियां करने लगता है। अरे ये क्या खा के आए हो जो उल्टियां करते जा रहे हो। अरे मैंने तो पकौड़े खाए थे, आ भगवान ये क्या होने लगा। अरे मैंने तो कुछ और मांगा था, माँ काली ने लगता है कुछ और सोच लिया। तभी वहाँ पर बैद लेकर आती है उसकी पत्नी। देखिए बैद बाबू, ये क्या हो गया इन्हें। अरे इसके पास तो अब समय ही नहीं है, आज रात भर ये जिंदा है, उसके बाद ये जिंदा नहीं रहेगा। नहीं नहीं ऐसा मत कहो, ये मेरे पति हैं, मैं इन्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। ऐसा मत कहो बैद जी, इनको अच्छे से देखो, इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अरे कुछ नहीं हो सकता है, इसने विषैले तेल का पकौड़ा खाया है और इसकी मौत तो निश्चित है। ये कह के बैद वहाँ से चला जाता है और मंगरू की पत्नी बहुत रोती है, लेकिन रात भर में मंगरू की मौत हो जाती है। मंगरू की आत्मा उसके शरीर से निकल कर पार जाने लगती है, घर से बाहर नदी के पार और
मंगरू की आत्मा एक दूर खंडहर में जाती है। वहाँ पर एक बेल के पेड़ जो सूखा हुआ था, उसके पास में ही एक ताड़ का पेड़ था, वहीं पर वो अपना बसेरा बना लेता है। मंगरू सोचने लगता है, मेरी पत्नी इतनी भी बुरी नहीं थी, मुझे प्यार करती थी, गुस्सेल थी, लेकिन क्या करूं, घर वापस चला जाऊं क्या, वहीं पे रहूंगा? अरे नहीं नहीं, फिर वहाँ आसपास जो भूत प्रेत होंगे मुझे देखकर मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे बीवी का पल्लू पकड़ के बैठा हुआ है, यहीं रह जाता हूँ मैं, यहीं पर किसी डाकनी चुड़ैल को देखकर अच्छी सी डाकनी को पटाकर शादी कर लूंगा, अब मैं यहीं पे संसार बसाऊंगा। मंगरू ये सोचने लगता है। एक रात उसे एक भूतनी जाती हुई दिखाई देती है। अरे वाह, ये तो लग रहा है सुंदर सी है, इसी से बात करता हूँ। अरे सुनो सुनो, क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? अरे मैं यहाँ नया नया भूत बन के आया हूँ, मुझे शादी करनी है। अच्छा, तो तुझे शादी करने के लिए मेरी ही पत्नी मिली है। एक ब्रह्म भूत उधर से निकल कर आता है। चल भाग यहाँ से, वरना तेरे गर्दन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मर तो तू वैसे ही गया है, हाथ में लेके गर्दन घूमेगा क्या? अरे अरे नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ वापस। तभी वहाँ पे और बड़ी ही अच्छी सुंदर सी भूतनी दिखाई देती है। अरे ये तो बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छी है, इसी से मैं शादी करूँगा, मैं जरा इससे पूछ कर देता हूँ। वो उसके पास जाता है। अरे क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी वहाँ एक और भूत आ जाता है। अरे पैर हाथ तोड़ कर बिठा दूंगा भीख मांगने के लिए, तेरी हिम्मत कैसे हुई तू मेरी पत्नी को ये कहे? अरे अरे माफ करना भाई, मैं यहाँ नया नया भूत आया हूँ, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। तभी एक घूंघट में भूतनी आती है। मैं तुमसे शादी करूंगी, मुझसे शादी कर लो। अरे आवाज तो बड़ी अच्छी है, चुड़ैलों भूतनियों की आवाज तो ऐसी नहीं होती है, इसी से ब्याह कर लेता हूँ। अच्छा तुम अपना घूंघट तो उठाओ। अरे घूंघट घूंघट अभी नहीं, शादी होने के बाद उठाऊंगी। अच्छा ठीक है। और आखिरकार एक अशुभ मुहूर्त में शादी का आयोजन होता है और भूत या पंडित शादी करवाते हैं। जैसे ही शादी खत्म होती है, अरे अब तो अपना घूंघट उठाओ, वो भूतनी अपना घूंघट उठाती है तो उसके चेहरे को देखकर मंगरू हिल जाता है। अरे नित्या तुम यहाँ भी चली आई, तुमने मेरा पीछा मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। अरे मैं तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ देती, हाँ हम 7 जन्मों के लिए बने हैं, अभी तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ दूँ? तुम जिंदा रहते भी मेरे थे और मरने के बाद भी, अब चलो उसी ताड़ के पेड़ पर रहेंगे, साथ में रहेंगे। अरे हे भगवान, ये क्या कर दिया, मरने के बाद भी सुकून नहीं है, इससे अच्छा तो जिंदा ही था, मरकर मुझे क्या मिल गया? मरकर भी तुम्हें मुझसे पीछा नहीं छूटा है। अचानक से मंगरू की नींद टूटती है। अरे बाप रे, ये सब कुछ सपना था, अच्छा है जीते जी ही आ गए होश में। हाँ वैद्य जी ने तो कहा था रात को ही टेबल दोगे, लेकिन वैद्य जी ने आखिरकार एक आखिरी दवाई दे दी जिसकी वजह से तुम बच गए। हाँ अरे भाग्यवान, माफ कर दो मुझे, और अब मैं कुछ भी गलत नहीं सोचूंगा, कभी भी नहीं। मंगरू अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहने लगता है।